गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये तैयार होती है। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये रिवोन का फैब्रिक है और इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो है 2.25 मीटर के करीब। तो 2.25 मीटर में हम 37 इंच की लेंथ तैयार करेंगे धोती सलवार की और 21 इंच की हमने इसकी बेल्ट तैयार रखनी है। इसमें दोस्तों मैंने ये दो ही माप लिए हैं, उसके बाद बस इस दो माप के हिसाब से ही हम पूरी सलवार की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले कैसे बिछाएंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके इसको ओपन किया है। ये डबल फोल्ड हमारा फैब्रिक है, इसको हम ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे यहाँ से। तो देखिए, हमने ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कई बार इसमें लेंथ में ही प्रॉब्लम होती है सभी को। तो यहाँ से हमारा इक्वल फैब्रिक है, यानी कि चारों जो कॉर्नर है यहाँ से इक्वल है। तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे, जितनी हमारी लेंथ है यानी कि 37 हमारी लेंथ है, तो 37 पर ही हम निशान लगा लेंगे। ये अगर हमने जो नीचे कॉर्नर वाली सलवार बनानी है तो उसमें हम लेंथ पूरी पूरी लेंगे। अगर हमने नीचे मोहरी बनानी है अलग से, पोंचा जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमने ऊपर से यहाँ से पोंचा माप करके फिर लंबाई लेनी होती है। अगर हमने कॉर्नर बनाना है तो हम नीचे कॉर्नर से ही लेंथ लेंगे। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने अगर नीचे कॉर्नर से लेना है तो उसकी लंबाई हमने पूरी लेनी है जितनी हमने लेंथ तैयार करनी है। इसमें हमने कुछ भी माइनस या प्लस नहीं करना, बस यही इसमें होता है फॉर्मूला। किसी की भी कितनी भी लेंथ तैयार है, आप नीचे से इंची टेप को रखकर और प्रॉपर जहां तक हमारी लेंथ आई है वहीं तक निशान लगा दीजिए। उसके बाद हमने इस निशान को यहां बिल्कुल कॉर्नर पर मिलाना है। अगर आपको यहां पर लेयरिंग ज्यादा चाहिए, इनके जो हम जो चुन्नटें पड़ती हैं अपने आप वो ज्यादा चाहिए, तो आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर तक मिलाना पड़ेगा। यहाँ तक हमने मिला दिया। बाई चांस आपके पास 2.5 मीटर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो यहाँ पर प्लेन रहेगा मान लीजिए, तो जैसे कि ये हिस्सा छोटा रह जाएगा, ये एक्स्ट्रा रहेगा, तो तब भी आपके जो चारों हिस्से कॉर्नर पर इक्वल है वहां तक आपने मिला देना है। अगर आप कम घेर चाहते हो यहाँ पर, यानी कि लेयरिंग है वो कम चाहते हो, तो इसको सीधा कर दीजिए, और अगर ज्यादा लेयरिंग चाहते हो तो बिल्कुल कॉर्नर पर मिला दीजिए। अब हम यहां से इसको अलग कर देंगे। देखिए, हमने इसको अलग कर दिया है कट करके। अब यहां से हमने 2 इंच की राउंड शेप देनी है। यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ से भी इसको कट कर देना है। ये वो कॉर्नर है जहां तक हमने लेंथ का हिस्सा मिलाया था, तो ये हमने यहाँ से कट कर दिया। इसको हम साइड में रख देते हैं। इसमें से हमने बेल्ट निकालनी है। अब हम नीचे जहां से हमने मोहरी का निशान लगाया था इस तरफ आ जाते हैं। तो यहां से हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है, पहले तो हम इसको भी कट कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, हमने यहां से उसके बाद आसन का निशान लगा लेना है। ये मैंने 9 इंच पर लगाया है। आप अपने हिसाब से कितना बड़ा छोटा रखते हो वो रख सकते हो। इनके आप सलवार में जो नॉर्मल सलवार में आसन लेते हो वैसे ही इसका भी लेना होता है। उसके बाद अंदर की तरफ मैंने 2 इंच पर निशान लगाया और ऊपर से भी 2 इंच की सीध में ही हमने सीधा निशान ऐसे लगा देना है। अब हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसको यहां से कट कर देंगे। तो ये हमने आसन कट कर दिया है। अगर कोई ज्यादा ही हैवी साइज है तो आप 2 की बजाय 2.5 लेकर के
और नीचे थोड़ा हा बड़ा लेकर के इसका राउंड शेप दे सकते हो। एक अब हमने 6, 5.5 या 6.5 इंच पे जितनी आपने मोहरी ओपन रखनी है उतनी आप मोहरी का निशान लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने 6.5 इंच पर एक निशान लगाया है नीचे की तरफ से। यहाँ से ये हमारा जो हिस्सा वो है जो हम यहाँ तक ओपन रखेंगे, तो वो जब हम आपको सिलाई करेंगे तब दिखाएंगे। एक कट हमने यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर भी लगा देना है नीचे से। एक कट मैंने यहाँ पर लगाया है, एक 6.5 इंच पर लगाया है, उसके बाद एक आसन का कट हो गया और उसके बाद 2 इंच का हमने ये कट दिया था। ये हमारी सलवार कट चुकी है, अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था इसमें से ही निकालेंगे। तो ये हमारी सलवार है वो कट के तैयार हो चुकी है, ये इसकी बेल्ट है। बेल्ट में हमें ज्वाइंट लगाने पड़ेंगे, तो ये देखिए हमने इसके ज्वाइंट भी कट कर लिए हैं छोटे छोटे। तो बेल्ट को हम तैयार कर लेते हैं और एक ये आसन है हम दोनों आसन स्टिच कर लेते हैं। सो देखिए हमने आसन स्टिच कर लिया है, इसका दूसरी तरफ से भी हमने आसन स्टिच कर लिया है। इनके दोनों आसन है हमारे वो सिल गए हैं। इधर से मैंने इसको फोल्ड करके दिखाया तो आपको ये आसन मैंने स्टिच किए हैं। इसके बाद जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा था जो कॉर्नर हमने कट किया था 1.5-2 इंच का, तो उसको हमने इस तरीके से सील लेना है। ये देखिए मैंने एक आपको सील के भी दिखाया है, ऐसे इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दी है। इसको अगर सीधा करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे ये हो जाएगा, जो एक डर्ट डलेगी, जो चुनर डलेगी वो इसमें भी डलेगी, बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा। तो ये हमने यहाँ से सील लेना है। अब इसके बाद हम जो ये हिस्सा है हमारा नीचे का, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे। देखिए पहले एक बार ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम यहाँ ऐसे फोल्ड करके और दूसरी तरफ भी लगा देंगे। जो हमने ये निशान लगाया था 6.5 इंच पर, इससे आगे तक हमने सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसकी मोहरी को ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ये सिलाई 6 इंच का जो कट था उसके सामने से ही लगा दें। तो ये हम एक बार तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से भी इसको फोल्ड कर लिया है, जो नीचे से मैंने बोला था आपको ये कॉर्नर हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे हम नीचे कुर्ती का घेर तैयार करते हैं साइड में चाक के इसके फोल्ड करते हैं, वैसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। यानी कि ओपन हिस्सा जितना आपने रखना है उतनी से आगे पहले सिलाई लगा लीजिए, फिर जैसे चाक फोल्ड करते हैं वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे जो एक हिस्सा है जो हमने यहाँ नीचे से मोहरी को फोल्ड किया था, यहाँ से लेकर के आसन पर आएंगे और उसके बाद दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी लेग का हिस्सा है उस तक सिलाई लगा देंगे। हमने ये हिस्सा यहाँ से ओपन आप अपनी मर्जी से रख लीजिए, हम यहाँ से इसको 5-5.5 इंच तक ओपन रख लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा 1 इंच हमारा फोल्ड होने में चला गया, जो मैंने बताया था आपको कट लगा करके 1 इंच हमारा फोल्ड हो गया। और अब हम इसको 5.5 इंच पर निशान लगा करके सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे को। मैंने 6.5 लिया था, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नीचे से हमारा ये हिस्सा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये हिस्सा ऊपर का रह गया है। दोनों तरफ से हमने जो ये 2-2 इंच के कट किए थे इनको भी सील लिया है, इस तरफ से भी हमने सील लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये सलवार तैयार हुई है। अब उसके बाद हमने ये जो बेल्ट है हमारी, जितने हमने इसमें ज्वाइंट लगाए थे तो सभी ज्वाइंट्स को हमने जोड़ लिया है। ये देखिए अंदर की तरफ है, तो सभी ज्वाइंट्स को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसकी चुन्नटे डालकर इसको भी तैयार करेंगे।
तो पहले हम एक बार ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं नीचे वाली। तो देखिए हमने नीचे की सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हमारा ओनली ऊपर का जो काम है वो रह गया। तो इसमें हमने चुन्नटें डालनी हैं, जितनी हमारी बेल्ट है उतनी ही, इस पूरे हिस्से में बेल्ट जितनी हमने चुन्नटें डालनी है। तो ये देखिए हम एक बार बेल्ट को माप लेते हैं कि हमारी बेल्ट कितनी है। तो हमने जो बेल्ट तैयार रखनी थी वो रखनी थी 20 इंच की, तो 20 इंच की हमारी बेल्ट है। तो हमने जो चुन्नटें डालनी है वो एक हिस्से में 20 इंच डालनी है, यानी कि इसको राउंड करके देखेंगे तो हो गया 40 इंच, और इस पूरे हिस्से में हमने डालनी है 40 इंच पर। एक हिस्से में आसन से इधर डालनी है हमने 20 इंच पर। अगर हम इसको यानी कि एक बार और फोल्ड कर देते हैं तो हमारा हो गया 10 इंच। तो हमने इसमें 4 जगह चुन्नटें डालनी है, तो हमने 10-10 इंच में चुन्नटें डालनी हैं, यानी कि आसन से एक ऊपर वाले हिस्से में चुन्नटें डालनी हैं, इस ज्वाइंट तक 10 इंच में। आसन से नीचे वाले हिस्से में चुन्नटें डालनी हैं 10 इंच तक, टोटल हो गया 20 इंच। सेम ऐसे ही हमने ऊपर नीचे वाले हिस्से में 10-10 इंच पर चुन्नटें डालनी हैं। तो हम एक बार चुन्नटें डाल लेंगे। तो चुन्नटें भी हमने कैसे डालनी है वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। ये जो हमारा हिस्सा है जो हमने 2 इंच का छोटा सा कट लगाया था, इस कट से हमने चुन्नटें डालनी स्टार्ट करनी है। यहाँ से जो 2 इंच का हमारा छोटा सा ज्वाइंट था उसकी तरफ फेस करते जाना है, और दोनों आसन तक हमने इस तरीके से ही चुन्नटें डालते जाना है। यानी कि ये चुन्नटें हमने तब तक डालनी है, एक साइड में ये ज्वाइंट है यहाँ तक, तब तक डालनी है जब तक हमारा आसन ना आ जाए। ये हमारा जैसे कि आसन आ गया, तो ये चुन्नटें हमारी डलकर 10 इंच पर हो जानी चाहिए यहाँ तक। तो हम एक बार चारों हिस्सों पर 10-10 इंच में चुन्नटें डाल लेते हैं। ये देखिए हमने एक तरफ जो चुन्नटें हैं वो डाल ली हैं, और ये हमारी चुन्नटें 10 इंच पर ही डली हैं, दो इधर भी और इधर भी। सेम आपने भी ऐसे ही डालनी है, एक तरफ मैंने नहीं डाली है, वो मैं आपको डालकर दिखाऊंगी कैसे हम इनको डालते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, दिखा सकूं। ये जो ज्वाइंट था दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ किया है, और आसन तक हमने चुन्नटें डाली हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा प्लेन हिस्सा रखा है, सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी डालेंगे। तो चलिए कैसे डालते हैं हम आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है, ऐसे ही हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, आपको पता लगेगा। तो देखिए इधर जैसे हमने चुन्नटें डाल रखी हैं, तो ये हमारा आसन हमने लिया है, यहाँ से हम चुन्नटें डालना स्टार्ट करेंगे। जितना हिस्सा हमने इस तरफ प्लेन रखा है इतना ही हम यहाँ भी प्लेन रखेंगे, और जो हमारा 2 इंच का ज्वाइंट आएगा वहां तक हमने इनको डालते चलना है। 9, 10, 11, 12 जितनी भी आपकी चुन्नटें डले आप डाल सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 7-8 या और कम चुन्नटें डालनी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लगभग ज्यादातर ये बताया जाता है कि 8 या 7 चुन्नटें ही डालनी होती हैं। कोई जरूरी नहीं है इसमें, आप अपनी मर्जी अकॉर्डिंग जितनी भी आए, यानी कि 10 इंच हमारी बेल्ट का साइज है, तो 10 इंच में कितनी भी चुन्नटें आए आप डाल सकते हो। बस ये चीज आपने देखनी है कि 10 इंच में ही डलकर हमारी चुन्नटें तैयार हों। अगर हम सिंपल सलवार भी स्टिच करते हैं तो ऐसे ही चुन्नटें डालते हैं पहले, उसके बाद हम बेल्ट के साथ उनको ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए इतने हिस्से में हमने चुन्नटें डाल ली हैं, ये हमारा ज्वाइंट आ गया है। अब हम इसको माप कर देखेंगे कि हमारा 10 इंच कहाँ तक हुआ।
तो ये देखिए यहाँ तक हमारा 10 इंच होएगा, एक चुन्नट और हम डाल देंगे इसमें। जो लास्ट वाली चुन्नट है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, क्योंकि हमने इस छोटे से ज्वाइंट तक 10 इंच करना है। अब दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही चुन्नटे डालते चलेंगे, जितना गैप हमने यहाँ पर रखा है दूसरी तरफ भी हम इतना ही गैप रखेंगे। और आसन तक हम चुन्नटे डाल देंगे। लुक भी बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। तो ये चुन्नटे हम कैसे मापेंगे कि हमारी पूरे जो 20 इंच पर ही आई है, ये हमारा ज्वाइंट वाला हिस्सा है दोनों तरफ, इसको हम हमारी बेल्ट के साथ इस तरह से रख कर देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल पूरी प्रॉपर हमारे 20 इंच पर ही आई है, क्योंकि हमने डाली ही 20 इंच पर है। तो ये इसका आसन हो गया नीचे ऊपर दोनों तरफ, ये इसके ज्वाइंट हो गए दोनों तरफ। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी बेल्ट है, इस पर हमने इसको फोर फोल्ड करके कट लगा लेने हैं। तो ये कट हमने यहाँ पर भी लगा दिए हैं और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। ये कट मैंने क्यों लगाए हैं वो आप समझ सकते हो एक बार। जो ये हमारे 2 इंच का ज्वाइंट वाला हिस्सा है, इस कट पर ही इसको लेना है। कट आप कोई भी ले सकते हो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने उसी सेंटर में इसका ये हिस्सा लेना है। मेरा कहने का मतलब है हमारे 4 पार्ट हो गए, यानी कि 4 ज्वाइंट हो गए, 2 आसन वाले, 2 यहाँ साइड वाले, तो 4 हमारे ये कट हो गए हैं। तो चारों हिस्सों पर एक एक ज्वाइंट हमारा बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो हमने इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक के लिए मैंने 2 इंच का ये नेफा तैयार करके होल भी छोटा है, ताकि हम इसमें बाद में इलास्टिक डाल सकें। तो ऊपर इलास्टिक डालना है, इसलिए हम इसका सेंटर कहीं से भी बना लेंगे। तो हमने ये 4 कट लगा लिए, चारों कट चारों ज्वाइंट पर मिल जाने चाहिए। तो चलिए हम एक बार आपको इनको भी लगा करके दिखाते हैं। सो देखिए हमने दोनों तरफ चुन्नटे डाल ली हैं, बेल्ट भी हमने डाल दी है। ये रिवोन का फैब्रिक है, आप सोच रहे होंगे कौन सा फैब्रिक है, रिवोन का और एक सेंटून के फैब्रिक में ये सलवार बहुत ही सुंदर बनती है। तो आप कई बार पूछते हो कि कौन से फैब्रिक में ये धोती सलवार अच्छी बनती है, तो रिवोन और सेंटून में बहुत अच्छी बनती है। इसमें हमारा ओनली इलास्टिक का काम रह गया है, वो भी हम डाल लेते हैं। इलास्टिक का मैं आपको मेथड बताती हूँ कैसे डालते हैं, मैंने वैसे हर वीडियो में आपको बताया है, और इसकी वीडियो धोती सलवार की मैंने पहले भी काफ़ी अपलोड की हुई है। आप पीछे जाकर भी और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो देख सकते हो। तो इलास्टिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो बेल्ट है वो हमें देखनी होती है जहाँ पर हम बांधेंगे। बेल्ट मान लीजिए 32 इंच की है, तो उसमें से आप 4 इंच माइनस कर दीजिए, जितना बच गया उतने का आप इलास्टिक डाल सकते हो, यानी कि 28 का इलास्टिक इसमें आएगा। सो गाइस ये देखिए मैंने इसको वियर किया है, बहुत ही सुंदर हमारी ये सलवार बनके रेडी हुई है। आप भी एक बार इसी तरीके को ऐसे ही फॉलो करना। ये देखिए लेंथ भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आई है, और लेयरिंग आपको दिख ही रही होंगी, बहुत ही फिनिशिंग से इसमें लेयरिंग आई है। थोड़ी सी प्रेस और अच्छे से करोगे तो बहुत ही अच्छे से ये बनती है। इस तरफ से भी मैं आपको दिखा दूँ तो दोनों तरफ से ही इसकी लेयरिंग है जो बहुत अच्छी आई है। बैक से भी मैं आपको दिखा दूं तो बैक से भी मतलब सब जगह से ये सलवार बहुत ही सुंदर बनती है। यहाँ मैंने जो इलास्टिक डाला था वो इसमें इलास्टिक के भी बिल्कुल फिनिशिंग से डाला है।
सो गाइस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो भी। इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेकर के लिए। थैंक यू।